केवल 11 फिल्मों का सफर, लेकिन बेहद रंगीन, चमकीला और हाँ, सुरीला भी। लगभग 45 साल पहले ठहर चुका वह सफर अब खत्म हो गया। वो हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री थी जिनके खाते में मेगा हिट फिल्में आईं, लेकिन इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिल सका। हम बात कर रहे हैं कल्पना मोहन की। 1962 में चीन से युद्ध ने भारत में हताशा और गुस्से का माहौल बना दिया था, लेकिन उसी दौर में शंकर जयकिशन के संगीत से सजी एक फिल्म प्रोफेसर ने हंगामा मचा दिया। 50 साल बाद भी इस फिल्म के गीत खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल और ए गुलबदन फूलों की महक कांटों की चुभन, मैं चली पीछे पीछे जहां, ये ना पूछो किधर ये ना पूछो कहां, या फिर आवाज दे के हमें तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना ना हमको, आज तक भुलाए नहीं जा सके हैं। और इन गीतों के केंद्र में थी भरे हुए गालों वाली कल्पना मोहन। प्रोफेसर उनकी रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी हास्य प्रधान नॉटी बॉय थी, जिसमें उनके हीरो थे किशोर कुमार। कल्पना का संबंध कश्मीर से था, वहीं उनका जन्म हुआ। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू के नजदीकी होने के साथ वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। कल्पना ने बचपन से ही शौक में कथक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी प्रस्तुतियों को सराहना होने लगी। जवाहरलाल नेहरू उनके प्रशंसक थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। कथक में पारंगत होकर उन्होंने अक्सर राष्ट्रपति भवन में होने वाले जलसों में नृत्य किया। ऐसे ही एक जलसे में अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू की नामवर लेखिका इस्मत चुगतई ने कल्पना को देखा तो उन्हें उनके अंदर ग्लैमरस अभिनेत्री की संभावनाएं नजर आई। उन्होंने कल्पना को मुंबई आने की सलाह दी। कल्पना ने मुंबई जाने और वहां फिल्मों में काम करने की इच्छा पिता को बताई तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। उनके मुंबई पहुंचने पर इस्मत चुगतई ने उनके अभिभावक की भूमिका अदा की। इस्मत के पति और फिल्मकार शाहिद तलीफ उन दिनों एक कहानी पर काम कर रहे थे। इस्मत ने शाहिद से कहा कि अगर वो फिल्म बनाते हैं तो कल्पना को अभिनेत्री के रूप में मौका दें। जल्द ही शाहिद तलीफ ने पिकनिक नाम से वह फिल्म शुरू की, जिसमें कल्पना के हीरो थे मनोज कुमार। इस फिल्म में गीतकार आनंद बख्शी ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई, जबकि फिल्म के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। फिल्म पिकनिक के सेट पर ही शक्ति सामंत ने कल्पना को देखा और उन्होंने अपनी फिल्म नॉटी बॉय के लिए कल्पना को साइन कर लिया। इस फिल्म में कल्पना के हीरो थे किशोर कुमार। पिकनिक और नॉटी बॉय की नई हीरोइन की चर्चा लेख टंडन को भी मिली, जो अपनी फिल्म प्रोफेसर में शम्मी कपूर के साथ नए चेहरे की तलाश में थे और लेख टंडन ने कल्पना को देखते ही साइन कर लिया। हास्य प्रधान नॉटी बॉय तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन प्रोफेसर ने सफलता की नई इमारत गढ़ दी। फिल्म की कामयाबी का शहरा शंकर जयकिशन के संगीत और शम्मी कपूर के हिस्से में आया। कल्पना की चर्चा उतनी नहीं हो सकी जितने की वो हकदार थी। इसके बाद प्यार की जीत कल्पना के करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा सकी। यहाँ तक कि उनके हाथ में कोई फिल्म भी नहीं रही। उनकी पहली फिल्म पिकनिक भी पूरी नहीं हो पा रही थी। युवा कल्पना इससे मायूस नहीं हुई और आने वाले अच्छे दिनों की आस में वो मुंबई में ही बनी रही। कुछ समय बाद उन्हें देवानंद के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी तीन देवियाँ। इस फिल्म में देवानंद की तीन देवियों में कल्पना के अलावा सिम्मी और नंदा शामिल थी। सचिन देव बर्मन के संगीत सजी तीन देवियां म्यूजिकल हिट साबित हुई। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब और ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत जैसे गीत 40 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी लोकप्रिय हैं। लेकिन अपने समय की ये जबरदस्त हिट फिल्म भी कल्पना को खास फायदा नहीं पहुँचा सकी। देवानंद की किसी भी फिल्म की सफलता की शोहरत देवानंद के इर्द गिर्द ही घूमती थी, बाकी वाहवाही इस फिल्म के संगीत को मिली।
यहाँ तक कि इसके बाद रिलीज होने वाली तीसरा कौन, जिसमें उनके हीरो फिरोज खान थे, सहेली और उनकी पहली फिल्म पिकनिक भी तीन देवियां की सफलता को नहीं भुना पाई। कल्पना को एहसास होने लगा था कि फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। देर रात की पार्टियों और दूसरी मौज मस्ती में वो शामिल नहीं हो सकती। कल्पना को कुछ और फिल्में मिली, इसमें किशोर कुमार के साथ प्यार किए जा और ऋषिकेश मुखर्जी की बीवी और मकान भी शामिल थी। इस फिल्म में विश्वजीत कल्पना के हीरो थे, लेकिन ये फिल्में भी कल्पना के करियर को आगे बढ़ाने या फिर उन्हें अपने दौर की चर्चित अभिनेत्रियों की पंक्ति में लाने में कामयाब नहीं हो सकी। तब तक कल्पना और एक नेवी अफसर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद कल्पना की दो फिल्में तस्वीर और नवाब सिराजुद्दौला रिलीज हुई, लेकिन तब तक कल्पना को एहसास हो गया था कि स्वतंत्रता सेनानी पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उन्हें इस माया नगरी के रंग में रंगने से रोकते रहेंगे। कल्पना ने सही समय पर फैसला लिया और नेवी अफसर से शादी कर फिल्मों और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गई। यहाँ तक कि फिल्मी हलकों में कभी उनकी चर्चा भी नहीं होती थी। आगे का जीवन उन्होंने पुणे में बिताया। उनकी बेटी प्रीति मनसुख नानी शादी के बाद अमेरिका में बस गई। पति की मृत्यु के बाद से वो बिल्कुल तन्हा हो गई। शम्मी कपूर और देवानंद की मृत्यु के बाद दूरदर्शन ने जब प्रोफेसर और तीन देवियों के गीत दिखाए, तब कल्पना के नाम के सुखबुगाहट जरूर हुई। इससे पहले सन 2007 में उनका नाम चर्चा में तब आया जब अकेले रह रही कल्पना की लगभग 54 एकड़ जमीन उनके फर्जी दस्तखत के दम पर बेच दी गई। तब तक कल्पना कैंसर की चपेट में आ चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर उनके दामाद हरीश और बेटी प्रीति अमेरिका से आए और कल्पना को लेकर पुलिस में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया। 4 जनवरी 2012 को कल्पना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।